आज मैं आपको सिखाऊंगी आप घर पर मीठी और फीकी मठियां कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी एकदम हलवाई स्टाइल में। ये मठियां करवा चौथ और होई अष्टमी में पूजा में प्रसाद के रूप में रखी जाती हैं। और मेरी रेसिपी को आप ज़रूर देखिएगा, इसे यूज़ करके आप 100% क्रिस्पी मठियाँ तैयार कर सकते हैं, वो भी आधे दाम पर। जो मठियाँ मार्केट में मिलती हैं उससे आधे दाम पे आप घर पे तैयार कर सकते हैं। सो हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम ले लिया है मैदा। मैदे में 4 बड़े चम्मच ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल या फिर घी, और इसे हम अच्छे से 1 मिनट तक मसल के मिक्स कर लेंगे। तो मोइन जो है इसे हमें बहुत ही अच्छे से आटे में मिक्स करना है, और इसे जब ये बिल्कुल क्रम्बल फॉर्म में आ जाएगा, आप देख सकते हैं थोड़ा क्रम्बल हो गया है, और इसके बाद हम इसे मुट्ठी में इस टाइप से बंद करके देखेंगे। अगर ये इस टाइप से शेप को होल्ड कर पा रहा है तो हमने ऑयल बिल्कुल एक्यूरेट डाला है। अब मैं इसमें ग्रेजुअली ऐड करूँगी वाटर, तो पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएँ, और इसका एक मीडियम टू हार्ड डो हमको रेडी करना है। बहुत सॉफ्ट डो आपको रेडी नहीं करना है। तो डो यहाँ पर रेडी हो गया है, इसे 15 मिनट के लिए साइड में रख दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। यहाँ पे मैंने डो को कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब मैं एक पेड़ा लूँगी, उसे बेलूँगी। तो यहाँ मैं मट्ठी का साइज़ थोड़ा बड़ा रखूँगी, और इसे आपको बहुत ज़्यादा थिन और थिक नहीं बेलना है, मीडियम साइज़ का आपको इसे बेलना है। तो अब मैं एक फोक की हेल्प से इसमें थोड़ा सा प्रिक करूँगी। तो आपको आगे और पीछे मट्ठी के दोनों साइड से प्रिक करना है, इससे क्या होगा जो मट्ठी है वो फूलेगी नहीं, तो एक क्रिस्पी बनेगी अंदर से। तो सिमिलरली मैं सारी मट्ठियों को रेडी कर लूँगी। तो इसे एक प्लेट में रख देते हैं, एक और मैं आपको बेल के दिखा देती हूँ। तो इसे मैं अच्छे से बेल लूँगी, थिकनेस वही रखनी है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। फोक से इसको प्रिक कर देंगे, और दोनों साइड से प्रिक करिएगा, एक साइड से नहीं, इसको दोनों साइड से प्रिक करना है। ये अदरवाइज एक साइड से करने से भी थोड़ा थोड़ा फूल जाती है। तो यहाँ मठियाँ रेडी हो गई, अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल को गरम कर लिया है। अब टिप यहाँ पे ये है कि आपको जो टेम्परेचर है ऑयल का एकदम लो रखना है, और इसमें एक तरह से ठंडा तेल ही है, थोड़ा सा गर्म है, और इसमें हम मठियों को ऐड कर देंगे। तो एट ए टाइम मैं यहाँ पर 2 मठियाँ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो कढ़ाई मैंने यहाँ पे ली है वो थोड़ा बड़ी है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं जो मठियाँ हैं हल्की सी पक गई हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, ग्रेजुअली फ्लेम को इंक्रीज करेंगे, यानी कि हम मीडियम फ्लेम कर देंगे। अभी मैंने बिल्कुल लो रखी हुई थी जब हमने मठियों को इसमें ऐड किया है। अब जैसे जैसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होती जाएगी, इसे अलट पलट करके हम क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर जो मठियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं, इसका एक्सेस ऑयल हम रिमूव कर देंगे। आप देख सकते हैं मट्ठी कितनी क्रिस्प लग रही है, और ये सच में बहुत क्रिस्पी बनी है, मैं आपको अभी ब्रेक करके भी दिखाऊंगी। तो इसे रिमूव कर लेते हैं टिश्यू पेपर पे, और सेकंड मट्ठी जो है इसे भी हम रिमूव कर लेंगे। एक बार मैं आपको और ये प्रोसेस करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं टेम्परेचर हमें एकदम से लो कर देना है, लो टेम्परेचर में आपको जो मठियाँ हैं वो ऐड करनी है। सिर्फ यही एक टिप है जिससे आपकी जो मठियाँ हैं बहुत ही खस्ता बनेंगी, चाहे कचौड़ी हो या फिर चाहे समोसा हो, उसे आप हाँ बहुत ही कम टेम्परेचर वाले ऑयल में ऐड करें, और जैसे जैसे उसकी बाहर की कोटिंग हल्की सी पकने लग जाए फिर ग्रेजुअली फ्लेम को इनक्रीज़ करें। तो उससे क्या होगा, जो हमारे मठियाँ हैं या फिर कचौड़ी या समोसे होते हैं उनके ऊपर बबल्स नहीं आते, और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनती है। तो यहाँ पे जो मठियाँ हैं हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए सबको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा दूसरा लॉट भी रेडी हो गया है, तो इसे भी मैं रिमूव कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मठियाँ हैं कितनी अच्छी बनी हैं, बिल्कुल एक जैसी हर तरफ से पकी है, और कितना इजीली आप इसे घर पे बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मठियाँ रेडी हो गई हैं, आइए मीठी मठी बनाना स्टार्ट करते हैं। शुगर लिए मैंने यहाँ पे 2/3 कप, 120 ml इस कप के ऊपर लिखा हुआ है। इसी कप से मैं 1/2 कप पानी ऐड करूँगी इसमें, और इसे अच्छे से हमें पकाना है 1 तार की चाशनी आने तक। तो इसे हम कुक करेंगे। एक इलायची मैंने हल्का सा क्रश करके ऐड किया है इसमें, थोड़ा फ्रेग्रेंस अच्छी आएगी। अब हम इसे पकाते रहेंगे जब तक हमें 1 तार की चाशनी नहीं मिल जाती।
इसे अच्छे से हम हिलाते रहेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी चाशनी है थोड़ा सा थिक होने लग गई है, हम इसे चेक करेंगे। तो थोड़ा सा हाथ में चाशनी लें और इसे फिंगर से इस टाइप से चेक करें। आई डोंट नो आपको इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन एक तार इसमें ईजिली बन रहा है, या फिर आप इसे करछी से इसे गिरा के देखेंगे तब भी एक तार बनना चाहिए। तो इट मीन्स हमारी जो चाशनी है वो रेडी हो गई है और इसे अब हम बंद कर देंगे। तो अब हमारी जो चाशनी है थोड़ी सी आप देख सकते हैं थिक हो गई है। अब जो मठियां हैं हम इसमें डिप करेंगे। तो दोनों साइड से हमें इसे शुगर से कोट करना है और जो एक्स्ट्रा शुगर सिरप है उसे पकड़ के आप रिमूव कर दें तो ड्रॉप ड्रॉप करके रिमूव हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा शुगर हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है और अभी आपको इसे एक सेपरेट प्लेट में रखना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना है, बिकॉज ये जैसे जैसे ठंडी होगी इसके ऊपर वाइट कोटिंग होती चली जाएगी। तो सिमिलरली मैं सारी जितनी मठियाँ मुझे मतलब लाइक मीठी बनानी है मैं उसके ऊपर शुगर का जो सिरप है वो कोट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने देखो सेपरेट सेपरेट रखा है मठियों को, एक के ऊपर एक नहीं रखना है बिकॉज अभी ये गीली है। इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे चॉप पिस्ता से, इससे इसका लुक अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और 30 से 40 मिनट के लिए इसे फैन के नीचे रख देंगे ताकि जो चाशनी है वो अच्छे से सूख जाए और जो मठियाँ हैं उसके ऊपर एकदम से कोटिंग आ जाए वाइट वाइट सी। तो यहाँ पर हमने दोनों मठियों को बनाकर रेडी कर लिया है। मीठी मठी मैंने आपको बनानी सिखा दी है और फीकी मठी हमने ऑलरेडी रेडी कर रखी है। तो इस बार करवा चौथ और होली अष्टमी पे आप घर पे मठियाँ बनाइएगा और इसे इजीली स्टोर करके भी रख सकते हैं, दिवाली पे भी बना सकते हैं आप इसे। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी क्रिस्पी एंड खस्ता मठियाँ बन के रेडी हुई हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, रेसिपीज़ को लाइक एंड शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। चैनल पे बहुत सारी अच्छी फेस्टिवल रेसिपीज़ अवेलेबल हैं, आप उसे देख सकते हैं, दिवाली पे बना सकते हैं, त्यौहार पे बनाइए, सबको खिलाइए। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी करवा चौथ एंड प्रॉस्परस दिवाली। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।